फाइंड दी आंसर्स ऑफ दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर लिखते जाना है. 20-3 इज इक्वल टू जितना होगा उसको यहाँ पे लिखना है. 19-7 इज इक्वल टू जितना होगा उसे हमें क्या करना है, इस वाले ब्लैंक्स में लिखना है. तो पहले हम क्या करेंगे, इन पिक्चर्स में जो दिए हैं उसे हमें क्या करना है, काउंट करते जाना है ना, कितना है पहले देखते हैं. तो 20 मग यहाँ पे दिए हुए हैं ना. तो 20 में हम 3 मग को माइनस कर देंगे, 3 इन 3 को हम क्या किए, माइनस किए. तो अब कितने बचेंगे उसे हम काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. इतने बचे 20-3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 17. इस पिक्चर से भी हमें पता चल सकता है. अब यहाँ पे चाय कप दिए हुए हैं, टी कप है ना. टी कप पिक्चर्स में देखते हैं कि इस इन कप में कितने हैं टोटल, उसे काउंट करेंगे, उसके बाद 7 माइनस करेंगे. टोटल पहले देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इतने हुए टोटल 19. 19 में क्या करना है हमें, 7 माइनस करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 हम क्या करेंगे, मग कप को माइनस कर देंगे. अब कितने बचे उसे हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 19-7 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 12. 7 माइनस, हम 7 कप को क्या किए, माइनस कर दिए, तो कितना बचा, 12. नेक्स्ट में क्या है, कलर द कैटल विच हैज़ द बिगेस्ट नंबर. इन कैटल्स को देखते हैं, इनमें नंबर दिए हुए हैं ना, इन कैटल्स में नंबर दिए हुए हैं. तो हमें क्या करना है, कलर करना है किसको, बिगेस्ट नंबर. कलर द कैटल विच हैज़ बिगेस्ट नंबर, कलर द कैटल विच हैज़ बिगेस्ट नंबर. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा तो सब शुरू क्या है, 10. 10 से बड़ा क्या हुआ, 15. 15 से बड़ा 20. 20 से बड़ा 32. 32 से बड़ा 40. 40 से बड़ा क्या हुआ, 45. 45 से बड़ा क्या हुआ, 47. 47 से बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा क्या हो गया, 55 नंबर. 55 नंबर का जो कैटल है वो क्या है, सबसे बिगेस्ट नंबर है. तो सबसे बिगेस्ट नंबर को हमें क्या करना है, बिगेस्ट नंबर वाले कैटल को कलर करना है. कोई भी कलर आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलर दिया नहीं है. इस कैटल को मैं क्या की, ग्रीन कलर से फिल अप कर दी. नेक्स्ट में क्या दिया है, फाइंड दी मिसिंग नंबर्स इन द पजल. फाइंड दी मिसिंग नंबर्स इन द पजल, या एक पजल है उसमें हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करके लिखना है इन बॉक्सेस में, है ना. यहाँ यहाँ पे मिसिंग है, वहाँ वहाँ पे उसको फिलअप करना है. 7+4 इज इक्वल टू कितना होता है, 11. 11+10 इज इक्वल टू कितना होता है, 21. अब इन बॉक्सेज में देख को हमें फिलअप करना है, क्या क्या आएगा. तो 10 को हम 10 ऐसे कौन कौन से मैं नंबर लूँ, टू नंबर्स ले कि कितना है 10. देखते हैं कि यहाँ पर टू ब्लैंक्स है और इज इक्वल टू 10 दिया है ना. टू ब्लैंक्स है और इज इक्वल टू 10 दिया है. तो 5+5 कितना होता है, 10 होता है. हम ऐसे ही नंबर्स लेंगे कोई भी और उनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 10. तो 5+5 मैं करूँ तो कितना आएगा, 10. अब 7+5 इज इक्वल टू कितना होता है, 12 है ना. तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे, इस ब्लैंक बॉक्स में 12. 4+5 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 है ना. 4+5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9. अब 12+9 इज इक्वल टू ऑल्सो 21. हो गया कंप्लीट. इस पजल को मिसिंग नंबर्स को हमें लिख करके इस पजल को क्या करना था, कंप्लीट करना था. तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर, दो नंबर लूँ मैं कि 10 आ जाए. 5+5 इज इक्वल टू कितना होता है, 10 होता है. अब सीधे सीधे जोड़ते जाना है. 7+5 इज इक्वल टू 7 ऑलरेडी दिया था. 7+5 इज इक्वल टू कितना होता है, 12.
फोर प्लस फाइव, फोर ऑलरेडी दिया था, फोर प्लस फाइव इज कितना होता है नाइन। अब हमें दो नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी मिल गए, ट्वेल्व प्लस नाइन इज इक्वल टू कितना होता है ट्वेंटी वन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, करेक्ट टिक दी करेक्ट आंसर, एक पिक्चर दिया हुआ है उसमें कैलकुलेशन करना है इनको, और यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए। इस कैप के बाहर ये एक जादूगर है ना, तो इसको क्या क्या बोल रहे हैं, अपने कैप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो हमें करेक्ट आंसर इनमें से देखना है कि कौन सा होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद उसे क्या करना है, टिक करना है। ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू कितना होता है एट। तो हमें क्या करना है, एट को टिक करना है, क्योंकि एट क्या है, करेक्ट आंसर है। ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू एट।